हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अंकित जोशी एकेडमी। सो हियर वी विल सी वन मोर एग्जांपल ऑन चेंज ऑफ ऑर्डर। सो इवैल्यूएट 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, ये इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। हम इस सवाल को चेंज ऑफ ऑर्डर के कंसेप्ट से इवैल्यूएट करेंगे। तो चेंज ऑफ ऑर्डर कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले आपको पहले लिमिट्स ऑब्जर्व करना है और नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो लिमिट्स देखिए क्या क्या है, यहां पर जीरो से इंफिनिटी और एक्स से इंफिनिटी। हम इन लिमिट्स को एक बार लिख लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, जीरो से इंफिनिटी और एक्स से इंफिनिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको यह सवाल बहुत आसान लगेगा। जीरो और इन्फिनिटी, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों कांस्टेंट है, तो इस सेट को हम कहेंगे कांस्टेंट सेट। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों में से एक भी वेरिएबल है तो इस सेट को हम कहेंगे वेरिएबल सेट। अब देखिए वेरिएबल सेट को ध्यान से देखिए, वेरिएबल सेट ये रहा, ये वेरिएबल सेट। अंदर आइए, बैक ट्रेस कीजिए, यहां पर कौन सा वेरिएबल दिख रहा है आपको? यहां पर x दिखाई दे रहा है, तो x के फॉर्म में दी हुई लिमिट्स x की नहीं होती, x के फॉर्म में दी हुई लिमिट्स y की होती है। तो ये लिमिट्स हो जाएंगी y1 और y2। अगर ये y1 y2 है तो ये हो जाएगा x1 x2 ऊपर वाला। अब देखिए बाहर जो कमेंट लिखा है उसमें कांस्टेंट सेट पढ़कर अंदर आइए, कांस्टेंट सेट अंदर आइए। ये जीरो और इंफिनिटी कांस्टेंट लिमिट्स दिख रही है आपको, ये दोनों किसकी लिमिट से? ये देखो एक्स की लिमिट से। तो हम यहां लिखते हैं एक्स हैज कांस्टेंट सेट ऑफ लिमिट्स, कांस्टेंट लिमिट्स। जब हम जानते हैं कि हम ऐसे सवाल डील कर रहे हैं जहां पर एक सेट कांस्टेंट होगा और एक सेट वेरिएबल होगा, हमें यह पता चल गया है किस वेरिएबल का सेट कांस्टेंट है, तो किस वेरिएबल का सेट वेरिएबल होगा यह भी पता चल जाएगा। सो एक्स हैज कांस्टेंट लिमिट्स, इट मींस वाई विल बी हैविंग वेरिएबल लिमिट्स। अब जिसकी लिमिट्स वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले। तो देखिए वाई की लिमिट्स वेरिएबल है तो हम लिखते हैं इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और जिसकी लिमिट्स कांस्टेंट उसके रिस्पेक्ट में बाद में, एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिमिट्स को देखकर ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को हम कहेंगे नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स को ऑब्जर्व करने से जो ऑर्डर मिला है उसे हम कहेंगे नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इस सवाल में हमें इवैल्यूएशन करना है चेंज ऑफ ऑर्डर के कंसेप्ट से। तो जब आपको चेंज ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट अप्लाई करना होता है तो पहले आप नॉर्मल ऑर्डर निकालिए, नॉर्मल ऑर्डर जो भी आया उसको रिवर्ट कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, नॉर्मल ऑर्डर जो भी आया उसको पलटा दीजिए, स्वैप कर दीजिए। तो जैसे यहां पर लिखा है फर्स्ट वाई देन एक्स, तो इसका उल्टा क्या होगा, फर्स्ट एक्स देन वाई। सो इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो नॉर्मल ऑर्डर को स्वैप करने से ये नया ऑर्डर मिला आपको, इस ऑर्डर को हम कहेंगे न्यू और चेंज्ड ऑर्डर, न्यू और चेंज्ड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर बदला जा चुका है। सो न्यू और चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिल गया, इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए न्यू ऑर्डर निकालने के लिए नॉर्मल ऑर्डर निकालना जरूरी था, जैसे ही आपको न्यू ऑर्डर मिल गया अब आपको पुराने ऑर्डर की यानी कि नॉर्मल ऑर्डर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जब भी आप ऑर्डर देखेंगे तो आप न्यू ऑर्डर को ही ऑब्जर्व करेंगे। गॉट इट? देखिए अब जो ये लिमिट्स है, गिवन लिमिट्स, ये गिवन लिमिट्स यहां से देखिए, ये जो लिमिट्स है गिवन लिमिट्स, ये नॉर्मल ऑर्डर के लिए वैलिड है, लेकिन न्यू ऑर्डर के साथ ये लिमिट्स काम नहीं करेंगी।
न्यू ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग न्यू लिमिट्स आपको निकालना पड़ेगा। न्यू लिमिट्स निकालने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करेंगे, स्ट्रिप बनाएंगे और स्ट्रिप को स्ट्रिप के एंड पॉइंट से और स्ट्रिप को स्लाइड करा के हम इन वेरिएबल्स की लिमिट्स निकालेंगे। देखते हैं, न्यू ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास, इसका रिस्पॉन्डिंग न्यू लिमिट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे और उस एक्स वाई प्लेन पर गिवन लिमिट्स, यहां पर जो लिमिट्स लिखी इन्हें प्लॉट करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, ये बनाया हमने एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये गिवन लिमिट्स प्लॉट करना है, तो एक्स इक्वल टू जीरो ये होता है वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स ये होता है एक लाइन, दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये लाइन हमने बना दिया। दिस लाइन इज वाई इक्वल टू एक्स, देखते जाइए। अब देखिए x इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू इनफाइनाइट विल बी ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस इनफाइनाइट। तो y एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बनाना है, ये हमने बना दी। अब क्योंकि ये लाइन इनफाइनाइट पर है तो आप और हम इसे देख नहीं पाएंगे, तो ये हाइपोथेटिकल लाइन मैंने एक डॉटेड लाइन से दर्शाई है, x इक्वल टू इनफाइनाइट। ये लाइन कहां पर है, इसकी लोकेशन इनफाइनाइट पर है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। आप देख पा रहे होंगे इट इज डॉटेड लाइन। आफ्टर दिस अगर आप ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप देखना चाहें तो एक्स कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट है, वाई और एक्स लाइन पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होंगे, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, मतलब ये पॉइंट इन्फाइनाइट पर होगा। एग्रीड, y इक्वल टू इनफाइनाइट, y इक्वल टू इनफाइनाइट विल बी ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाना है, लेकिन वो लाइन x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, इनफाइनाइट दूरी पर, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो जाएगी। ये पॉइंट का लोकेशन इनफाइनाइट पर है, ये डॉटेड लाइन इनफाइनाइट पर, ये डॉटेड लाइन ये भी इनफाइनाइट पर, तो इसका इक्वेशन आया है y इक्वल टू इनफाइनाइट। देखते जाइए, अब देखिए ये एक लिमिट है हमारे पास, ये लाइन एक लिमिट है, ये एक लिमिट है और ये एक लिमिट है। इन चारों लिमिट से बाउंडेड रीजन कौन सा मिला हमें, जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है हम उसे शेड कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं कुछ, ओ ए, से दिस पॉइंट इज बी ओ, लेट लेट आर इक्वल टू ओ ए बी ओ, दिस इज अवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में एक स्ट्रिप ड्रॉ करना है, स्ट्रिप किसके पैरेलल बनती है, न्यू ऑर्डर में जिसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना होता है। न्यू ऑर्डर में पहले इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहां लिखते हैं ड्रॉ ए स्ट्रिप, नाम है स्ट्रिप का PQ, पैरेलल टू x एक्सिस। क्यों पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि न्यू ऑर्डर में पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, पैरेलल टू x एक्सिस। कहां पर बनाएंगे ये स्ट्रिप, इन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन R। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में एक्स एक्सिस को पैरेलल हम एक स्ट्रिप बना लेंगे, देख पा रहे हैं आप ये स्ट्रिप पी क्यू, पी पॉइंट से एक्स की लोअर लिमिट मिलेगी और क्यू पॉइंट से वाई, P पॉइंट से x की लोअर लिमिट मिलेगी और Q पॉइंट से x की अपर लिमिट मिलेगी। तो देखिए x1, P पॉइंट कहां पर है, P पॉइंट इस लाइन पर है, ये वाली लाइन पर, ये लाइन पर x कोऑर्डिनेट जीरो है। अब मुझे चाहिए x2, तो Q पॉइंट कहां पर है, देखो जरा Q पॉइंट इस लाइन पर, इंक्लाइन लाइन पर, यहां से x कितना है, y इक्वल टू x, यानी कि x बराबर y है, x टू इक्वल टू वाई।
अब हम इस स्ट्रिप को स्लाइड करेंगे। अगर स्ट्रिप हॉरिजेंटल है तो इसका वर्टिकल मोशन कराएंगे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में लोअर एक्सट्रीम पर लाएंगे और यहां से अपर एक्सट्रीम तक ले जाएंगे। लोअर एक्सट्रीम से मिलेगा वाई वन, अपर एक्सट्रीम से मिलेगा वाई टू, वाई वन वाई टू। सो हम यहां लिख देते हैं, नाउ स्लाइड स्ट्रिप पी क्यू इन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर। कहां से कहां तक स्लाइड करेंगे आप? ओ से लेकर ऊपर इंफाइनेट तक जाना है। तो जब आप ओ पर लाओगे यानी कि ओरिजिन पर, तो ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट कितना है भैया? रीड कीजिए, ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ऑब्वियसली ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। फिर आप इसको स्लाइड करा के कहां पे ले गए? इनफाइनेट तक ले गए। तो इनफाइनेट पर वाई की वैल्यू कितनी है? वो भी इनफाइनेट है, तो वाई टू आ जाएगा इनफाइनेट। सो दीज आर द न्यू लिमिट्स। तो मैं इन लिमिट्स को इधर लिख लेता हूं, एक्स वन जीरो और एक्स टू वाई। देखिए क्या क्या हो गया, एक्स वन जीरो इनफाइनाइट, ये लिमिट्स हो गई। देखिए पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। तो इनर इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, आउटर इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में। सो इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x एंड आउटर इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू y। वहां पर ऊपर बॉक्स में लिमिट्स लिखिए, x की लिमिट्स हैं 0 से y, लिख लीजिए यहां पर। y की लिमिट्स हैं 0 से इंफिनिटी, ये भी लिख लीजिए। अब इंटीग्रल फंक्शन e रेस्ट टू माइनस वाई अपॉन वाई, ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर y की टर्म नहीं आएगी, e रेस्ट टू माइनस वाई अपॉन वाई, इसको हम बाहर वाले इंटीग्रेशन में शिफ्ट कर देते हैं। देखिए देखिए आउटर इंटीग्रल एज इट इज, e रेस्ट टू माइनस वाई अपॉन वाई ये भी एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर पहले dx होना चाहिए और फिर यहां पर dy होना चाहिए। सो वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सर x होगा, लिमिट्स रख लीजिए x10 और x2y dy, इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए y1 से y2 e रेस टू माइनस वाई अपॉन y, x की जगह पर y रखना है, लोअर लिमिट x की जगह पर जीरो रखना है, देखते जाइए। तो ये यहां से ये y से y कैंसिल हो जाएगा, y1 से y2 लिमिट्स क्या है भैया? जीरो से इंफिनिटी, बचा है आपके पास e रेस टू माइनस वाई dy, इसे इंटीग्रेट करना है। तो e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई का e रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन, और लिमिट्स आने वाली है y1 इक्वल टू जीरो और y2 इक्वल टू इंफिनिटी। सो e रेस टू माइनस इंफिनिटी ये तो हो गया जीरो, अपर बाउंड अपर लिमिट हो गया जीरो, माइनस लोअर लिमिट y की जगह पर जीरो, सो e रेस टू जीरो विल बी वन, नीचे माइनस वन है, सो ओवरऑल वी विल गेट द आंसर एज वन प्लस वन। सो दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन।